छोड़ो मुझे, छोड़ो, देखो छोड़ दो। ना, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कोई है? अरे कोई है, बचाओ। आ रहा हूँ। मर गए। ये कौन होगा? दुपट्टा तो अंदर करो ना। गुड मॉर्निंग ललन बाबू, नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? जी मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब अच्छा चलता हूँ, बाकी की दाढ़ी भी कल डालू। चलता हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। ललन बाबू जी, घर जाइए, आपकी बेटी वासना अकेली होगी। वासना नहीं अरुण बाबू, कामना। आपको बहुत याद करती है, घर चलिए ना। नहीं नहीं, अभी तो मेरी परीक्षाएं चल रही, फिर कभी आऊंगा। हमेशा बातें ही करते रहते हैं, चलिए ना। आपका हाथ बहुत नरम है। क्या है कि वो दाया हाथ था, ये मेरा बायां हाथ बहुत ही सख्त है। सख्त है, सचमुच सख्त है। चलिए ना, कामना से मिल लीजिए। जी नहीं, बात ये है ललन बाबू कि आजकल मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहा हूँ और ऐसे ही चलता रहूंगा जब तक श्री भैया की शादी नहीं हो जाती। मेरी राय मानिए, आप श्री भैया को बताइए वासना के लिए। ये वासना नहीं, कामना अरुण बाबू। चलिए वही सही, मगर ये बात जची ठीक है श्री बाबू के लिए। अच्छा तो चलो, बाकी की दाढ़ी भी मुड़ लीजिए। अच्छा तो चलो। जाने बचे तो लाखों लौट के बुद्धू घर को आए। ये क्या भाई, बड़े पाजी हो तो? क्यों, बेकार ही तंग किया ना उस शरीफ आदमी को। शरीफ आदमी कौन? ये ललन? अरे अव्वल नंबर का भौंपू है। अगर उसने हमें एक साथ देख लिया होता ना तो दो घंटे में सारे शहर को खबर हो जाती। खैर छोड़ो, पहले हम किस पोज में थे? बस बस बस, बहुत हो गया, अब जाने दो, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें तो शर्म है नहीं, 3 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हो। लेकिन वो तुम, अरे सुनो तो। देखो माँ, क्या लाया हूँ? पिताजी की तस्वीर। अच्छी है ना? मैंने अपने घर के लिए भी एक बनवा ली। बोल कीर्ति, कहाँ लगाएं इसे? उस दीवार पे ठीक रहेगी ना? हाँ। चल तू नाना जी की तस्वीर उतार, उसे हम दूसरे कमरे में टांग देंगे। अच्छा। नहीं कीर्ति, नाना जी की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये तस्वीर यहां से नहीं हटेगी। श्री भैया ये तस्वीर कहीं और लगा सकते हैं। अरुण। श्री भैया। अरुण। श्री, अरुण ठीक है तो कह रहा है, बाबूजी की तस्वीर हटाकर हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आखिर ये घर उन्हीं का है, उन्हीं की बदौलत हम आज किसी काबिल बने हैं, है ना? अरे ललन बाबू, आइए आइए। थोड़े से सेब और मौसमी आपके लिए, अपने ही बगीचे के हैं। आप तो जानते हैं कामना को, कामना ही देखभाल करती है। आपने बेकार तकलीफ। तकलीफ नहीं, 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 कामना को तो बहुत मजा आता है, अच्छा दाना है। ललन बाबू बैठिए। बैठिए ना। कामना आपको बहुत याद करती है, बहुत याद करती है, बहुत बहुत। अभी तो तरबूज भी लाऊंगा,
अमरूद भी लाऊंगा। कामना को बड़ा शौक है। पेट ठीक है? थोड़ा बड़ा है पर थोड़ा घूमने से ठीक हो जाएगा। कामना का फिगर बहुत अच्छा है। रात को नींद अच्छी आती है? सारा दिन सोती है फिर रात को भी सोती है। सोने का बड़ा शौक है कामना को। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ ललन बाबू, आपको नींद ठीक आती है? मुझे नहीं आती, कैसे आ सकती है? घर में कामना है, जवान लड़की, उसकी शादी। कोई लड़का ढूंढा? ढूंढा है ना, दो लड़के ढूंढे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। छोटे भाई की शादी हो नहीं सकती, कॉलेज जाता है, इसलिए बड़े भाई से करूंगा। और इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। ओह माय गॉड, कामना बड़ी प्यारी लड़की है। माफ कीजिएगा ललन बाबू, नेक्स्ट। अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आप बहुत बिजी हैं, फिर मिलूंगा। आमा बोल, क्या बात है? देखा कीर्ति का पागलपन, क्या हुआ? इतना अच्छा लड़का मिला है उसके लिए और वो उसे देखने को भी तैयार नहीं। तुमने देख लिया ना? बस ठीक है। बस ठीक है, मगर शादी तो तुझे करनी है पिद्दी। मुझे नहीं करनी, अगर मुझे कोई देखने आएगा ना तो मैं कमरा बंद करके बैठ जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़कर भाग जाऊंगी। कौन लड़का है माँ? अपने एडवोकेट रघुनाथ जी का बेटा। कौन? दीपक? अभी अभी इंजीनियर बन के लौटा है अमेरिका से। अच्छा घर है, इज्जतदार लोग हैं और शहर की शहर में रहेगी। ठीक है माँ, मैं मिलवा देता हूँ लड़का लड़की को। इतनी तलब हुआ करे तो अपने हाथ से बना लिया करो, समझे अरुण बाबू? आए बड़े लाड साहब। मेरा नाम दीपक है, आप अपना नाम नहीं बताएंगी? क्या कहने, जैसे जानते ही नहीं। खैर मैं जानता हूँ, और मुझे वो दिन भी याद है जब हम छोटे थे और मैं आपको आंख मारा करता था और आप मुझे काटने को दौड़ती थी, शायद आपको याद हो। लगता है अब तक आदत नहीं गई जनाब की। फिर मैं यहाँ रहा नहीं, अमेरिका चला गया, वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा हूँ। मुबारकबाद नहीं देंगी? क्या जोर लगाए जा रहे हैं ताकि मैं कुछ बोलूं? मैं जोर लगाए जा रहा हूँ कि आप कुछ बोलें, पर लगता है आपकी आवाज सुना मेरी किस्मत में नहीं। आपकी आवाज अच्छी है। देखो ना, चाय पिलाई। देखिए ये मेरी छोटी बहन है, आधी पागल है, आप इसे शादी करेंगे? जी हाँ माँ। चाय, चाय दो ना। दो बेटी। शर्माती है, अभी बुलाती हूँ। कीर्ति, मैं नहीं आऊंगी माँ, तुम ही बातचीत कर लो, मुझे रिश्ता मंजूर है, अगर उन्हें ये पागल लड़की मंजूर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस खुशी में लंगूर हुए जा रहे हैं जनाब। यूँ समझिए कि कला फतह कर लिया है। मतलब? मतलब पटा दिया। क्या पटा दिया? मामला दीपक और कीर्ति को मिलवा दिया। अच्छा हा? और आप जानिए बड़े पुण्य का काम है लड़के लड़की को मिलवाना, और मिलना भी। नहीं पाजी बन, नहीं, एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, मैंने कहा ना नहीं, छोटी सी नहीं। अच्छा अच्छा इतनी सी नहीं। टिच तुम माल रोड बड़ी हवेली सरिता जी। आ गया, सब समझ में आ गया अरुण बाबू। अच्छा तुम समझता, हम नहीं समझता है? नहीं। जाता है,
जाता है। बाय 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 बाय। ललन बाबू, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं इस चाकू से बोलती बंद कर दूँगा। नहीं 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 अरुण बाबू, ये 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 चाकू छुरी मजाक ठीक नहीं। नहीं है ना? नहीं, नहीं। अगर तुमने किसी से ये कहा कि मैं और सरिता, कौन सरिता? किसी सरिता को नहीं जानता। नहीं जानता ना? तुमको भी नहीं जानता। मैं किसी सरिता को नहीं जानता ना? मैं बिल्कुल नहीं जानता। घूम दे और एक और दो की गिनती में नाक जिंदा लगाएगा। आज एक आदमी बात कर रहा है माँ, कल को सारा शहर करेगा। बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तो वो इज्जत ना हुई श्री भैया, पानी का बुलबुला हुई जो जरा से मिट जाएगी। अरे अरुण तू आ गया, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल ठहर अरुण, पहले ये बताओ तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या और कितना रिश्ता है? लड़की बनो मत, लल्लन ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा श्री भैया, आप सरिता के बारे में बात कर रहे हैं? वो माँ माँ, मैं तुम्हें उसे मिलवाना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो किस खानदान की है? श्री भैया, सरिता को मैं जानता हूं, वो हर तरह से अच्छी और समझदार लड़की है। वैसे कहते हैं कि किसी जमाने में उसकी माँ गाने बजाने का काम करती थी, हीराबाई है नाम। बड़ी इज्जत से नाम ले रहे हो उस गाने वाली का। माँ का नाम तो इज्जत से लिया जाता है श्री भैया। वैसे भी इज्जत के बारे में मेरा ख्याल कुछ और ही है। मैं उस चीज को इज्जत नहीं मानता जो बच्चों को माँ बाप से विरासत में मिल जाया करती है। और मैं आपकी इज्जत करना बंद नहीं कर दूंगा अगर कोई मुझसे ये कहे कि आपके पिता शराबी, जुआरी और बदचलन थे। अरुण, बदतमीजी की बात कही तुमने पिताजी के लिए? माफी मांगो इनसे फौरन। किससे माफी मांगू? इस तस्वीर से? हाँ, फौरन माफी मांगो। तस्वीर की पूजा आपकी जी श्री भैया, मैं मूर्ति पूजक नहीं। बदतमीज। कोई गीता देवी आपसे मिलने आई है? हाँ हाँ बुलाइए जी, तशरीफ लाइए। बड़े भाग मेरे जो आप इस घर में पधारी। आइए। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बाजी लगी रहने दो अनवर मियां, और फिलहाल जाकर देखो सरिता क्या कर रही है। जी अच्छा। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। दिल में जो भी हो बेहिचक कह सकती हैं। मैं जो भी कहूंगी साफ ही कहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपका ये खेल क्या है। आपने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया और उस नादान ने बिना सोचे समझे उसमें पांव डाल दिया। उस बेवकूफ को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसका एक गलत कदम न सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है, बल्कि उसकी बहन जिसका रिश्ता एक अच्छे इज्जतदार घर में हो रहा है वो भी टूट सकता है। माना कि मर्दों को रिझाकर बस में करना आपका पेशा है, यही आपने किया, यही आपकी बेटी करेगी। मगर मैं पूछती हूँ, एक मेरा ही घर मिला था आपको बर्बाद करने के लिए। आप पान खाएंगी? मम्मी तुम भी क्या, माँ पान नहीं खाती। और तुम भी जरा ठहरो, पहले आरती आंच कर ये प्रसाद ले लो। भगवान का प्रसाद है माँ। ये
इनके लिए कॉफी नहीं भिजवाओगे सरिता? माँ कॉफी नहीं पीती, मैं इनके लिए जूस लाती हूँ। कई बार लोगों को जाने बिना, उन्हें देखे बिना ही हम उनके बारे में राय कायम कर लेते हैं। खैर, आप कुछ कह रही थी? हो सकता है मैंने आपकी बेटी के बारे में गलत राय कायम कर ली हो, हो सकता है वो मेरे बेटे के लायक भी हो, मगर रहेगी तो वो आपकी हीराबाई की बेटी। समाज में लोग इतना तो जरूर पूछेंगे कि इस लड़की का बाप कौन है। आपने मुझसे पूछा मेरी बेटी का बाप कौन है, तो वो एक इज्जतदार बहुत बड़ा आदमी है। मैं चाहूं तो उसे कबूल भी करवा सकती हूं, उसे मजबूर कर सकती हूं कि अपनी बेटी का कन्यादान खुद करे, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि वो बेचारा भी आपकी तरह समाज से डरता है। दूसरी बात ये कि मेरे पेशे की जरूरत है कि मैं लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखूं। इस हिसाब से मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ जानती हूं। ये इत्तेफाक की बात है कि जिंदगी के खतरनाक मोड़ पर आपको एक आचार्य मिल गया, मुझे नहीं मिला, वरना शायद आज मैं गीता देवी होती और आप। मेरी बेटी से कोई बात छुपी नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी माँ क्या थी और क्या है, और इस वजह से वो मुझसे नफरत नहीं करती बल्कि मेरी इज्जत करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं। और चूंकि सरिता आपकी भी बहुत इज्जत करती है, बेहतर यही होगा कि उसके लौटने से पहले आप यहां से चली जाएं। मैं सरिता को समझाने की कोशिश करूंगी कि आइंदा वो आपके बेटे से ना मिले। माफी चाहूंगी अगर कोई बात आपका दिल दुखाने वाली कह दी हो तो। सोचती हूं अनवर मियां, जिस दिए की लो हवा का एक झोंका नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहीं तूफान आ गया तो उसका क्या होगा?